नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा यादव। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम के को कवर करेंगे। हमने इसका पहला पार्ट कवर कर लिया है और आज हम इसका राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम का दूसरा पार्ट कवर करेंगे। बागड़ का धनी नरहड़ के पीर। बागड़ का धनी नरहड़ के पीर को कहा जाता है। नेक्स्ट, हल्दीघाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता को कहा जाता है और राजस्थान की उड़नपरी हमीदा बानो को कहा जाता है। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल को कहा जाता है। दोस्तों किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के नेता सिद्धराज टड्डा को कहा जाता है। मेवाड़ का विषम पितामह कुंवर चूड़ा राजस्थान का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। जालोर का कश्मीर रानीवाड़ा जालोर को कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल मुनोत नैनसी को कहा जाता है। बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। और राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। राजस्थान के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। बागड़ की मीरा गौरीबाई। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर। मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन राजस्थान की उड़नपरी हमीदा बानो को कहा जाता है। आदिवासियों का मसिया मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। गांधी जी की मानस पुत्री श्रीमती सत्यभामा को कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल मुनोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। और बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। शेर ए भरतपुर गोकुलजी वर्मा को कहा जाता है। और शेर ए राजस्थान जयनारायण व्यास को कहा जाता है।
राजस्थान का कबीर संत दादूदयाल, राजस्थान का कबीर संत दादूदयाल को कहा जाता है। कलयुग का करण राव लुनकरण को कहा जाता है। कलयुग का करण राव लुनकरण को कहा जाता है। राजस्थान का आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत, राजस्थान का आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। राजस्थान का नरसिंह संत दुर्लभ जी, राजस्थान का नरसिंह संत दुर्लभ जी को कहा जाता है। राजस्थान का लौह पुरुष, राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल, भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल को कहा जाता है। बिल्लों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा, बिल्लों का चितेरा दोस्तों गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट और बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, राजस्थान केसरी केसरी सिंह बारहट को कहा जाता है। राजस्थान केसरी केसरी सिंह बारहट को कहा जाता है। केसरी सिंह बारहट राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय इतिहास साहित्य के प्रोधा, भारतीय इतिहास साहित्य के प्रोधा गौरीशंकर हीरा चंदोजा को कहा जाता है। दोस्तों भारतीय इतिहास में साहित्य के प्रोधा गौरीशंकर हीरा चंदोजा को कहा जाता है। हल्दीघाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। हल्दीघाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम किक्का था। भारत की मोनालिसा बनीठनी को कहा जाता है। भारत की मोनालिसा बनीठनी चित्र को कहा जाता है। बागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। बागड़ की मीरा गौरीबाई और बागड़ की राधा, राजस्थान की राधा मीराबाई और बागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। राजस्थान का कबीर संत दादूदयाल को कहा जाता है। राजस्थान का कबीर संत दादूदयाल को कहा जाता है। नेक्स्ट सक्वेश की सनसनी सुरभि मिश्रा, सक्वेश की सनसनी सुरभि मिश्रा को कहा जाता है। लोक कलाओं के कमल पुष्प, लोक कलाओं के कमल पुष्प देवीलाल सामर को कहा जाता है। लोक कलाओं के कमल पुष्प देवीलाल सामर को कहा जाता है। पोलो विश्व विजेता कर्नल किशन सिंह को कहा जाता है। पोलो के विश्व विजेता कर्नल किशन सिंह को दोस्तों कहा जाता है। मेवाड़ के विषम पितामह, मेवाड़ के विषम पितामह कंवरचूड़ा को कहा जाता है। मेवाड़ के विषम पितामह कंवरचूड़ा को। शेरे राजस्थान लोकनायक जयनारायण व्यास को कहा जाता है। और लक्कड़ कक्कड़ भी जयनारायण व्यास को कहा जाता है। हिंदू पथ यश हिंदुआ सूरज महाराणा सांगा को कहा जाता है। हिंदू पथ या हिंदुआ सूरज महाराणा सांगा को कहा जाता है। कलयुग का वाल्मीकि हरिदास निरंजनी को कहा जाता है, जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। कलयुग का वाल्मीकि हरिदास निरंजनी को कहा जाता है। हरिदास निरंजनी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट सॉरी और बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। राजस्थान के लोक नायक जयनारायण व्यास को कहा जाता है। और शेरे राजस्थान भी जयनारायण व्यास को कहा जाता है। लक्कड़ का फक्कड़ भी से जयनारायण व्यास को कहा जाता है। और लोक नायक भी जयनारायण व्यास को कहा जाता है। दासाब श्री हरिभा उपाध्याय को कहा जाता है। दासाब श्री हरिभा उपाध्याय को कहा जाता है। लक्कड़ और कक्कड़ या लक्कड़ और फक्कड़ या जयनारायण व्यास को कहा जाता है। गांधी जी के पांचवे पुत्र जमनालाल बजाज को माना जाता है। और गुलाम नंबर चार भी जमनालाल बजाज को कहा जाता है। बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या और राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। हल्दीघाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। हल्दीघाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम किक्का था। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया
को कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के 17 वर्ष तक सर्वाधिक समय तक रहने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। राजस्थान की मोनालिसा बड़ी ठनी पेंटिंग को कहा जाता है। राजस्थान की मोनालिसा बनीठनी पेंटिंग को कहा जाता है। चंदन के चितेरा पवन जांगिड़ को कहा जाता है। दोस्तों, चंदन के चितेरा पवन जांगिड़ को कहा जाता है। क्रिकेट का चलता फिरता विश्वकोश राज सिंह को कहा जाता है। क्रिकेट का चलता फिरता विश्वकोश राज सिंह को कहा जाता है। जागीर का नमूना विजय सिंह को जागीर का नमूना कहा जाता है। मारवाड़ का साझा महाराजा उम्मेद सिंह को कहा जाता है। मारवाड़ का साझा महाराजा उम्मेद सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी पेंटिंग राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी पेंटिंग को कहा जाता है। चंदन का चितेरा पवन जांगिड़ को कहा जाता है। दोस्तों, क्रिकेट का चलता फिरता विश्वकोश राज सिंह को कहा जाता है। जागीर का नमूना विजय सिंह को कहा जाता है। मारवाड़ का साझा महाराजा उम्मेद सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का सियारदास मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान का सियारदास मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा जाता है। बावजी और भील नेता मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि बावजी और भील नेता किसे कहा जाता है। बावजी और भील नेता मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। सुल्तान तारकीन या सन्यासियों के सुल्तान हमीमुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। सुल्तान तारकीन सन्यासियों के सुल्तान हमीमुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। राजस्थान की राधा मीराबाई दोस्तों राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।